अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्लॉट है देखिए 190 गज़ का ओपन प्लॉट है रेडी टू कंस्ट्रक्शन के लिए। ये आएगा एड्रेस हसन नगर, महमूद नगर हसन नगर कहलाएगा। ये बिल्कुल उसी के एरिया में रहेगा, तो हसन नगर बिस्मिल्लाह होटल, बिस्मिल्लाह होटल के बिल्कुल बाजू गली में से अंदर से रास्ता रहेगा। तो ये देखिए मैं आपको रोड से बता रहा हूँ किस तरह से रोडें बन रही है। हसन नगर जाने के रास्ता जो है ये आपको मेन रोड है, जो इटली होटल मिलारम टैंक वगैरह है वहाँ से जो फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे तरीक़े से कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अंदर के जो हसन नगर के एरिए भी काफ़ी डेवलप होंगे और वैल्यूएशन बढ़ेगी इसकी जब फ्लाईओवर वगैरह चालू हो जाएगा। तो ये हसन नगर के एंट्री पे जो रहेगा 190 गज़ का प्लॉट रहेगा जो आप ओपन रहेगा। तो देखिए अभी हसन नगर का रिसेंटली मैं एक घर डाला था 12,50,000 का, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन नो टाइम सेल हो गया, लेकिन अब उसकी वैल्यूएशन काफ़ी बढ़ गई, उसकी रिक्वायरमेंट उसकी जो आ रही है लाखों में बढ़ के आ रही है। तो देखिए अगर कोई चीज़ आपको दिखती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर फोकस करिए। अगर आप रियल इस्टेट से रहे और आप रीसेलर भी है तो कोई चीज़ों को सर्वे कीजिए, पढ़िए, आप मुतमईन होने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कोई चीज़ आपकी नज़र में आती तो देखिया करिए। जो हसन नगर का भी घर 12,50,000 का था वो चुकाने के बाद कम हुआ, और जब खरीदार ख़रीद लिए उसके बाद काफ़ी लोग उसको लाखों रुपए बढ़ के देने तैयार है, भी जो मेरे चैनल के ज़रिए बिका, और एक भी घर बिका है अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी रेट अभी बढ़ रहा है, वो भी आपको डिटेल दूंगा आगे में। तो रियल इस्टेट एक अच्छी चीज़ है, अगर आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल ये चीज़ अच्छी है, आप जेन्यून रह के जेन्यून पेपर्स डॉक्यूमेंट देख के ख़रीदी करिए। ये हसन नगर का आपको बताता चल रहा हूँ मैं, जो जहाँ से देखेंगे आप काफ़ी होटलें अच्छी बिल्डिंगें बने, ये मदीना होटल है और एक होटल सामने है, इसी के आगे थोड़ा बिस्मिल्लाह होटल दिखेगी आप। मैं ओनर से भी पूरा डिटेल लिया हूँ हमारे ख्वाजा भाई से, ख्वाजा भाई की पूरी डिटेल है इसमें। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद है मेरे चैनल मेट्रो रियल इस्टेट हैदराबाद पर। मैं आपका दोस्त मोहम्मद निज़ामुद्दीन जुनेद एक ओपन प्लॉट लाया हूँ आपके बीच, जो एरिया है हसन नगर महमूद नगर, जो ओनर है मेरे साथ है उनसे भी बात करेंगे। देखिए रिहायशी इलाके है, पूरा रेजिडेंशियल है कंप्लीट, इसमें एक ही बाउंड्री है अल्हम्दुलिल्लाह खाली है, अभी तकरीबन कंस्ट्रक्शन हो चुका है पूरा। आजू बाजू भी देखेंगे आप 3-4 फ्लोर के बिल्डिंग्स है, और रोड काफ़ी सीमेंट की रोड, काफ़ी चौड़ी रोड है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने फिट की है? 30 फिट की रोड है माशाल्लाह, और बिल्कुल खुला प्लॉट है और बिल्कुल रेडी टू बनाने के तहत पर यहाँ पर हर चीज़ की सहूलत है। यहाँ देख सकते हैं आप, पानी की भी सहूलत है बता रहे हैं भाई, नल लाइट की भी सहूलत है, नल भी है इसमें और लाइट का मीटर है, टैक्स पे करे हुए है भर रहे और रजिस्टर्ड है। तो भाई से मैं बात करूँगा, अभी भाई के लड़कियों की शादी है बता रहे हैं, इसीलिए उनके लिए लिए थे, तो अभी फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो भाई से मैं बात करूँगा क्या है इसका और एरिया का। देखिए स्पेस कितना है, स्क्वायर कितना है, अभी डिमोलिश करा हुआ है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कराना है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? मोहम्मद ख्वाजा पाशा। मोहम्मद ख्वाजा पाशा जी। जी ख्वाजा भाई, ये कितने गज पे है जगह, ये एरिया कौन सा है बोलिए आप पहले? ये एरिया जो है हसन नगर महमूद नगर बोलते हैं। हसन नगर महमूद नगर, कोई पहचान का इलाका, पहचानी मुकाम? मुख्तार भाई के घर के काम में का प्लाट है ये जी। होटला भी है ना आगे, कोई बिस्मिल्लाह होटल जी, घर के काम में का ही प्लाट है जी। ये प्लाट 196 गज का रजिस्टर्ड प्लाट है जी, मगर आप मापे तो 190 गज आ रही है। देखिए बिल्कुल जेन्यून है मसला भाई, मेजरमेंट करे तो इसलिए 190 आ रही, तो जो है बता दे रहे हैं, लेकिन पेपर में 196 है, तो रजिस्टर्ड है ना ये, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, गिफ्ट रजिस्टर्ड है, गिफ्ट रजिस्टर्ड है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका आप ये बोलिए, इसका नल भी है बता रहे हैं आप? नल भी, इसमें नल भी, ये पहले घर था, इसमें नल भी था, लाइट भी था जी, अभी डिमोलिश कर दिया। ये 15 साल के जो है उसका टैक्स तकरीबन 55,000 रुपये हो गया जी नल और लाइट का। अगर आप ले रहे हैं बोले तो वो टैक्स भी पे करके क्लियर करके देता हूँ। अच्छा, टैक्स कर क्लियर करके देंगे, क्लियर करके। अभी बेचने का मकसद भी बता रहे थे आप? हाँ, ज़रा बच्चों के शादियाँ रहने के जी बेचना चाह रहा हूँ मैं, मेरे को पैसों की जरूरत है इसलिए मैं बेच देना चाह रहा हूँ। तो ये 196 के पेपर है आपका, नहीं जो 190 आप मेजरमेंट करके देंगे? हाँ, 190 के हिसाब से आप पैसे। तो आप ये पूरी ज़मीन की क्या उम्मीद कर रहे हैं 190 गज़ की? अब ये अभी यहाँ के हिसाब से देखें तो 30,000 रुपये चल रहा जी, अब मैं 55 लाख तक भी दे देने को तैयार हूँ। 55 लाख में 190 रिगार्ड है, और भाई पेपर्स वगैरह सब बताएंगे, आप मुतमईन होने के बाद आगे बढ़िए, कोई इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई के अभी बनाने के ताजात नहीं हैं, इसलिए बच्चों की शादी है, इस वजह से निकाल रहे हैं। तो जो भी ख़रीदी कर रहे हैं आप वेल फिनिश पूरा वेरीफाई करके आप ले सकते हैं।
और देखिए अच्छा घर बनेगा क्योंकि आजू बाजू से देख सकते हैं आप। अच्छा बना सकते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसकी आप लेंथ वगैरह मापे हुए हैं ना भाई, बताइए। ये 29 फीट और जो है ये लेंथ जो है इसकी 30 फीट है। अच्छा 30 फीट डीप रहेगा और फेस जो रहेगा 130 फीट रहेगा। 60 फीट है जी। फेस 60 फीट है। अंदर जो लेंथ आ रही 60 फीट है। 60 फीट आ रही, ये 130 फीट आ रही। 130 फीट फेस जो रहेगा 29 फीट रहेगा। तो ताबिर भाई का नंबर मैं टाइटल में दे दूंगा। भाई अभी आप अगर कोई भी कांटेक्ट कर लेंगे तो आप लोकेशन भेज देंगे ना व्हाट्सएप से? आप क्या टाइम पे अवेलेबल रहेंगे जो भी अगर कोई देखने आएंगे तो? मैं कभी भी आ जाओ, आप आधा घंटा पहले फोन कर लिए तो आ जाओ जी। आपका मकान भी यहीं है? यहीं। तो ये फिर से एक बार एड्रेस बोलिए, ये कौन सा है मैम? ये हसन नगर महमूद नगर काबेखा काउंसलर मुख्तार भाई जी, उनके घर के सामने का प्लॉट है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं टाइटल में नंबर दे दूंगा भाई का। देखिए भाई अभी कंस्ट्रक्शन कराने में नहीं है इसीलिए ज़रूरत है, तो आइए सामने से देख लीजिए। भाई रहेंगे, जेन्यून डॉक्यूमेंट्स है बता रहे हैं, आप वेरीफिकेशन करके आगे बढ़िए। एड्रेस वगैरह दे चुका हूँ मैं आपको। तो चलिए इसी तरह चैनल से बने रहे, नए नए वीडियोस आपके बीच आते रहेंगे। और किसी के भी वीडियो सेल के डालना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अल्लाह हाफिज़।